और देखिए वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले से पहले सुरक्षा बैठक की गई। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की तैयारी पर बैठक की है और दौरान धर्मगुरुओं और शहर के अहम लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एहतियात के तौर पर पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बॉर्डर, होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पर आज ये बड़ी बैठक हुई है। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की तैयारी पर यह बैठक की है और पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी कमिश्नरेट में कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें SHOs, ACPs, एडिशनल DCPs और DCPs सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संबोधित किया गया है। धारा 144 CRPC के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर, खास तौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में, पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं, यानी कि PIV व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। QRTs की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक QRT के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो 12 सितंबर को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आना है और ऐसे में वाराणसी में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। अर्दली बाजार में काशीवासियों ने यज्ञ किया। एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आने वाली है। 12 सितंबर का सबको इंतजार है। आप देखिए, यहाँ पर पूजा प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है बनारस में। और इस पूजा और प्रार्थना के पीछे का मकसद क्या है, ये लोगों से जानते हैं। अजय जी, ये यज्ञ और पूजा क्यों? क्योंकि नंदी जी जो सैकड़ों वर्ष इंतजार बाबा का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं, वो इंतजार 12 तारीख को वो समाप्त हो जाए, इसीलिए हवन पूजा कराए, जो हिंदू समाज के लिए वो जीत हो, आर्य समाज का महत्व बढ़े और आर्य समाज की जीत हो। इसी जीत के लिए आज हम लोग हिंदू और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, आज हवन से उनको एनर्जी और ताकत और इस व्यवस्था को हम लोग दिया रहा है। जो भी जजमेंट हो वो नपे तोले पर और सही चीज़ पर वो जजमेंट हो और ये जजमेंट हमारे हिंदू पक्ष में हो, यही हम लोग संकल्पित के साथ महायज्ञ हम लोग कर रहे हैं। में क्या है जिस तरह से 12 सितंबर की तारीख इस पूरे फैसले को लेकर निर्धारित की गई है, तो क्या लग रहा है किसके हक में फैसला? तो देखिए, हिंदू के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि हमारे नंदी महाराज जो माने जाते हैं कि भोलेनाथ के साथ रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बाबा फिर से उन्हें मिले, उन्हें दर्शन मिले और बाकी सारे हिंदुओं को भी वो दर्शन दे। दर्शन, पूजन, प्रार्थना और यज्ञ का दौर शुरू हो गया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।